जय नमस्तु। सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी जी और आचार्य भगवंतों द्वारा बरसाई अमृत ज्ञान रथा श्री पंचमाधिकार के रूप में अपन छन्मस्तवाणी जी का आनंद ले रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है, इस ग्रंथ की व्याख्या भी अद्भुत है। इसको जानना समझना अपने आप में तारण पंथ की महत्ता को बताता है कि वास्तव में तारण पंथ क्या है। अपन कल रात्रि में वांछना करते करते सूत्र नंबर 62 तक पहुंच गए। एक बार 5 मिनट अपन रिवीजन कर लेंगे, 5 मिनट में भी नहीं, 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर अपन आगे के सूत्र आगे बढ़ाते हैं। अपन ने सूत्र नंबर 48 से समझा था कि अपने अंतर में वह आत्मा प्रकाशवान सत्ता के रूप में स्वानुभूति में उत्पन्न हो रहा है। पूर्ण आनंद अर्थात जिस आनंद का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जब आत्मा का आनंद आता है तो उसका कोई वजन नहीं होता, वो अनंत अनंत होता है, बहुत बहुत होता है। आत्मा हमेशा बढ़ते आनंद हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। तो कहने लगे बहुत बहुत अत्यधिक उत्साह प्रकट हुआ है, वह जो है वही मैं हूँ, मैं जो हूँ वही वह है। ऐसा अनंत अर्घ ध्रुव स्वभाव उपयोग में अंतर अनुभूति में प्रकट हुआ है। मन वचन कायिक गुप्ति से वो शून्य स्वभाव अनंत उत्पन्न अनंत प्रकाश रूप प्रकट हुआ है। आसन सिंहासन रूप अपने ध्रुव स्वभाव से परिचय उत्पन्न हुआ है और कमलावती नाम की ज्ञायक भाव की परिणति प्रकट हुई है और पूर्ण आनंद के झरने झर रहे हैं। अचिंत चिंतामणि स्वभाव अपने अनुभव में प्रकट हुआ है, चिंतन से भी जिसको नहीं पकड़ सकते, ऐसा अचिंत चिंतामणि गुप्त स्वभाव निर्विकल्प आत्म अनुभूति रूप उत्पन्न हुआ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हे जीवात्मा इस अचिंत चिंतामणि अनंत स्वभाव में प्रवेश करो। भगवान के समोषण में छत्र चवर सिंहासन 9 छायिक लब्धियां आदि आदि विशेष उपलब्धि होती है। ज्ञानी भी जब आत्म तत्व में रमण करते हैं तो व्यवहार में ये वस्तुएं सहज प्रभावना उपलब्ध होती है और वह आत्म साधक अपने सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति में रत रहता है।
लब्धि अलब्धि स्वयं देव उत्पन्न, भगवान के वचनों में क्या आया है कि ना उपलब्ध करो अलब्धि, जिसकी लब्धि को आज तक प्रकट नहीं किया, कि ना वैसा परमात्म देव स्वयं का स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया है। देवादि देव उपलब्धि, कि ना व्यवहार में क्या उपलब्ध हुआ है, कि ना सर्वज्ञ परमात्मा का समोषण मिला है, उत्पन्न देव ध्वनि उनके अंतर में भगवान का समोषण प्राप्त हुआ है, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है मागधी भाषा में और अरिहंत पदवी का प्रकाश हुआ। यानी क्या करोगे अब आप, भगवान भगवान का समोषण मिला है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, अरिहंत परमात्मा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी वाणी सुन रहे हो, तो क्या होगा, चलिए देखो अरिहंत दे वो दे रहे हैं अनंत उत्पन्न स्वयं लब्धि, क्या क्या दे रहे हैं, अरहंत दियो, क्या दियो, अनंत उत्पन्न स्वयं लब्धि उत्पन्न, क्या दियो कि अरिहंत परमात्मा दे रहे हैं उपदेश, बोध करा रहे हैं, क्या बोध करा रहे हैं कि हे भव्य आत्मा अपने स्वयं के स्वभाव को, अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपने स्वानुभव में उपलब्ध कर, अरहंत दे, अरिहंत दे रहे हैं परिचय, परिचय क्या, प्रवेश, कि अपने अंतर ध्रुव स्वभाव में प्रवेश करोगे तो अरहंत हो, तुम स्वयं अरहंत हो जाओ। ले हुए कह रहे हैं गुरु महाराज अब तो ले लो, क्या अरहंत दे रहा है, अब तो ले लो अपने ध्रुव तत्व के अनुभूति को, ले लो, ले हुए अब तो ले लो, क्या ले लो, जयवंत हो, अपने आत्मा का अनुभव लेके अपने जयवंत स्वभाव को, अपने शाश्वत स्वभाव को, अरहंत पद को अब तो अनुभूति में प्रकट कर लो। देखो बहुत अच्छी बात चल रही, आपके पिताजी आपके नाम जायदाद कर जाएंगे तो क्या देंगे, धन संपत्ति कितने दिन चलेगी, और ये अरहंत अपने को दे के जा रहे हैं अपना जो ध्रुव स्वभाव ले हुए जयवंत पद, यदि इसे प्रकट कर लोगे जो अरिहंत दे रहे हैं, यदि इस प्रसाद को ले लोगे तो कितने दिन चलेगा, सादी अनंत, फायदे का सौदा करो, नुकसान का क्या करो, काय का क्या नुकसान, फायदा करो तो आगे बैठो पीछे का बैठो, तो क्या कह रहे हैं कि अपने अंतर में आनंद का अमृत चखो, फायदे का सौदा करो, काहे का फायदे का सौदा, अरिहंत परमात्मा दे रहे, क्या दे रहे, क्या दे रहा है, अपना परिचय, कि अपने अंतर में वो पूर्ण वितराग तत्व है उसको अनुभव में लो, ये अरिहंत परिचय दे रहे हैं, प्रवेश, तुम उसमें प्रवेश करो और अरिहंत हो जाओ, और क्या कह रहा है, ले हुए जयवंत हो, अब इस प्रसाद को ले लो और जयवंत हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, अब संसार में जन्म मरण करने का काम है ही नहीं अपना, तो क्या कह रहा है, नाम प्रमाण महोत्सव नहीं, पर कलन कमल जिन जन ही मिले, देखो 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 देखो, भगवान की इस अमृत वाणी को सुनने से, भगवान के इस अमृत उपदेश को सुनने से, कमल कलन, कमल के देखो भाई व्यवहार में स्वर्ण कमल आसन पे बैठे हुए सर्व परमात्मा मिले हैं, जिन जिन में मिले हैं, जिन्होंने 1800 से रहे अपने तत्व को जीत लिया, सूत आया था ना, कौन सा सूत आया था, 18 के आरते उत्पन्न है ना, तो आरते उत्पन्न 18 का क्या अर्थ है, 1800 से रहित भगवान हमें मिल गए, मिले कि नहीं मिले, तो 1800 से रहित ये परमात्मा हमें मिल गए हैं, तो क्या कह रहे हैं, कलन कमल जिन जिन ही मिले, व्यवहार में तो स्वर्ण कमल आसन के ऊपर चार उंगल ऊपर बैठे हुए परमात्मा मिल गए हैं, लेकिन अंतर ध्यान में अपना गायक स्वभाव जिन्ही अपना जिनेश्वर पद केले अनुभूति में मिल गया है, गुप्त सुन्न उत्पन्न अपने निर्विकल सुन्न स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न, और मन वचन काय गुप्ति से ध्रुव स्वभाव का ध्यान धरोगे तो सर्वज्ञ परमात्मा के समान ही अपना कमल स्वभाव अपनी स्वानुभूति में प्रकट हो जाए, और बाहर में परमात्मा के नाम प्रमाण महोत्सव, व्यवहार में महोत्सव कितना, जितना तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय, कहले ऐसे ही अंतर में जितना ज्ञान प्रमाण अपना अनुभव है
अनंत जीवंत उत्ताप अपने को अंतर का प्रकाश प्रकट हो रहा है। देखो बाहर का कोई काम ही नहीं है, पहले जय 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 जिन जय जिन जय जिन जय अरहंत किए वंत का रिविजन चल रहा है। अरहंत परमात्मा ने जितना ज्ञान उपयोग होगा, ज्ञान छयो सम नहीं, ज्ञान उपयोग होगा, जितना भेद ज्ञान होगा उतना महोत्सव। क्या कह रहा है कि जय 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 जिन जय जिन जय जिन जय नो जे कही के ना क्यों अरिहंत किए अंधकार नो। देखो तो अरिहंत पद को प्राप्त करके अपने ध्रुव छायक लब्धियों की अंधकार करो। अब तो संसार में कुछ करने का काम नहीं, केला क्या करें अरु दो ही। मैं देखो भैया केला वो तो दो ही है, ज्ञान और चार, या फिर वो तो दो ही है दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान उपयोग दो ही है। केला कौन कौन से ज्ञान उपयोग दर्शन वो तो दो ही है, और अरूप विमल श्री क्या देखो देखो उनकी निर्मलता रूप विमल, विमल मतलब कर्मों से रहित श्री मतलब श्रेष्ठ परिणति। देखो देखो उपयोग की कर्मों से रहित विमल श्री परिणति आ गई है, आई दिखाई दी अंतर में दिखाई दी, मिले भेटे ध्रुव स्वभाव से मिली भेंट करी और देखो रे देखा उसने क्या अचिंत जू आए, अचिंत चिंतामणि अपने शुद्ध स्वभाव अंतर में आ गए। देखो निश्चय से ये व्यवहार में दो जीव आए हैं विमल श्री और अचिंत जू, और कहना निश्चय में ऐसी ज्ञायक परिणति आ गई। आखिरी सूत्र कल के रिवीजन वाला आसन सिंहासन कमलासन सिद्धासन चारी के चार, कहना भैया आराधनाओं के चार चतुष्टय के चार आसन प्रकट हो गए। कौन सा अपने डिटेल कर रात में करी थी, अभी सिर्फ पढ़ के छोड़ दे रहा है, आसन सिंहासन कमलासन और सिद्धासन। अपने इसका विवेचन रात में कर लिया था, सम्यक दृष्टि को कौन सा, ज्ञानी को कौन सा निरंतर बढ़ता हुआ, और कहले क्या क्या है दीप्तियां कितनी है पांच है, अरु दो ही है, कहले क्या दो ही है क्या। अरे देखो अब आपको सरल भाषा में समझा रहे थे, अब कल 20 मिनट में समझा होता, दो मिनट में समझा रहे हैं। आसन अपन सरल भाषा में बिल्कुल अपन अपने ध्रुव में बैठ जाओ आसन, सम्यक दर्शन की अनुभूति प्रकट कर लो आसन, केला सिंहासन केला सम्यक ज्ञान के प्रकाश में डट जाओ, ज्ञान उपयोग की निर्मलता बढ़ाओ, केले ये हो गया अपना केले का सिंहासन, ज्ञान का सिंहासन लगाओ बढ़िया, बाहर में तो पाल के लगा के बैठ गए और ज्ञान को सिंहासन नहीं लगा तो अच्छा काम को केला कमलासन, केला अब सिंहासन लगधारी हो गए, ध्यान लगा के बैठ गए हो, आत्मचिंतन कर रहे हो तो निर्लिप्त रहो, अपने ध्रुव की अनुभूति का आनंद लो, केला सिद्धासन तो सिद्धों के समान पूर्ण निर्विकल दशा प्रकट हो जाए। चार ही के चार, चार आराधना हो चार, केला काय के केला आसन केला सम्यक दर्शन की आराधना, सिंहासन सम्यक ज्ञान की आराधना, केले के कमलासन केला सम्यक चारित्र की आराधना का, केला सिद्धासन केला तो पूरा आराधना सम्यक तप करेंगे और अपना निर्वाण का महान प्राप्त करेंगे। आसन चार ही के चार, चार चतुष्टय के चार आसन, अनंत दर्शन का एक, अनंत ज्ञान का दूसरा, अनंत वीर का तीसरा और अनंत सुख का चौथा। केवल आनंद में रहो, काय को विकल्प कर रहे, चार ही के चार, पांच ज्ञान है ना, अरु दो ही है, केवल जे साधना ही है। भैया भैया भेद बता रहे थे सारे, दो है चार है पांच है चार है, कहना क्या है ये, अरे अरु सो है वो है ना, दो है ना चार है ना छह है कछु नहीं है, कहना जो है सो है अनंत स्वभाव, वो तो अनंत चतुष्टय में है। अब तुम कितने नाम रख लो आके, चार है कि छह है कि आठ है कि दस है, कहना कछु विकल्प करने की जरूरत है कि नहीं, जो है सो अपन विकल्प कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ये ज्ञान है कि नहीं है, वो दर्शन है कि नहीं है, वो पर्याय है कि नहीं है, वो परिणति है कि नहीं, अपन विकल्प कर रहे हैं ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं, लेकिन भगवान के गुरु महाराज क्या कह रहे हैं,
जो है सो है, तुम विकल्प काहे कर रहे हो, वो तो अपना दुस्वभाव है, शल्य चिंता करने की जरूरत, जो है सो है, तुम्हारे दो चार छह कहने से उसमें कोई घटा बड़ी होने वाली, वो जैसा परम रीत रहा है, अरु जो है सो है, कैसा अनंत स्वभाव, इसमें तो अनंत अनंत गुण है, अब यहाँ तो थोड़े से लिखा रहे, ठीक है। अब नवीन वांछन जो अपन कल तक कर चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं। अब मिलाइए सूत्र फटाफट, अर्क अर्थ वींद उत्पन्न मुक्त काय दीन, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहा है, अर्क अर्क मतलब प्रकाश, अर्थ मतलब, अर्थ मतलब, अर्थ मतलब प्रयोजनी, उपयोगी, जैसे आप कहते ना कि पैसा ही अर्थ है, इसके बिना कछु, अरे हाथ हाथ में अर्थ है तो दुनिया की सारी चीज चरणों के नीचे, अरे अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है संसार में, है ना, कहना पैसा है तो सब है और पैसा नहीं है तो अच्छा, संसार में ऐसे कहावते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं यदि पैसा ही सब होता तो करोड़पति सारे सुखी होते, बेचारे सबसे ज्यादा वही परेशान रहते, सबसे ज्यादा चिंताएं और बी ब्लड प्रेशर और कहला शुगर की बीमारी तो उन्हीं को जिनके पास सबसे ज्यादा, तो कहला क्या करें, तो देखो क्या करें, तो यहाँ कह रहे हैं देखो कहले अर्थ अर्थ, देखो तो अपना प्रकाशवान स्वरूप प्रयोजनी है, अर्थ है, ये अर्थ है सिद्धि करने के लिए, यदि तुम्हें सिद्धि करना है तो घर की पुत्र की परिवार की मकान दुकान की सिद्धि मत करो, इस आस के लिए दुखी मत हो, संसार की आस के लिए दुखी मत हो, यदि तुम्हें सिद्धि करना है तो अर्क अर्थ क्या करो, अपने प्रकाशवान स्वभाव को प्रयोजनी मान के विंदयतपन उस निर्विकल अनुभव को प्रकट करो, चले क्या करें गुरु महाराज, कहना हंते कार तीन रत्नत्रय की दर्शन की ज्ञान की चार की तीन हंतकार प्रकट करो, कल्याण का मार्ग बनाओ संसार में, कहले धन दौलत को तुम इकट्ठा कर लोगे प्रयोजनी मान के और तुम्हारे प्राण निकल गए तो कहना बा स्वर्ग में नहीं चले, नर्क में भी नहीं चले, त्रिज गति में भी नहीं चले, जहां वाली वस्तुएं अगले भाव में काम आने वाली नहीं आएंगी, नहीं आएंगी ना, यहाँ वाली यहीं रह जाएंगी ना, कहले जहां जो वस्तुएं तुमने संग्रह करी परिग्रह के कारण पर को ग्रहण करने की आसक्ति के कारण, यहाँ जिन वस्तुओं का संग्रह किया है कि ना ये संग्रह की हुई वस्तुएं आगे भावों में काम आने वाली नहीं है, तो कहने के लगे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो कहना प्रयोजनी, कहना क्या है प्रयोजनी, कहना अपना अर्थ अर्थ बिंद स्वभाव, प्रयोजनी क्या है, कहने लगे अपना अर्घ बिंद स्वभाव उत्पन्न करो, कैसे उत्पन्न करें, कहना हंतकार तीन तीन हंतकार लगा, जैसे उन्होंने कहा था ना एक जे ले जाओ एक सम्यक दर्शन की जले के जाग जाओ, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो और सम्यक चार्य की लीनता को प्रकट करके केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्रगटा लगाओ, अंतकार डर काहे को रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में भेद काहे को हो रहा है, लगाओ अंतकार कि मैं सिद्ध हूं मैं ध्रुव हूं मैं ज्ञायक हूं, अपने ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि जमा के अपने अंतर आत्मा का बल जगा के अपने ध्रुव तत्व की अंतकार लगाओ और बढ़ो आगे, डर का कि कर्म धाराएं आएंगी तो क्या होगा, कसाय उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अनभार में खाने मिलेगो कि नहीं मिलेगो, है घर की व्यवस्थाएं चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, भेद काय को, जो कुछ होगा कर्मों में ही तो होगा ना, कसायों में ही होगा ना, कसाई भड़केंगी ना, तो अपने ध्रुव तत्व की हंतकार लगाएंगे अपने तत्व का बल प्रकट करेंगे तो उन कर्मों पे ही तो विजय प्राप्त करेंगे, और क्या करेंगे कहो ये जय बहना होएगा ना कि कमर दुख रही हाथ दुख रहा इसलिए नहीं आ रहा है, जय बहना होएगा ना और कछु होएगा,
लगे जब अंतर आत्मा की अनुभूति करोगे, अपने स्वभाव का सहकार करोगे, तो क्या इस शरीर से ही तो भिन्नता आएगी, और कैसे आएगी? और कैसे भिन्नता आएगी? कैसे भिन्न हो गए? शरीर संयोग से तो भिन्नता आएगी। यानी अपने ध्रुव तत्व की अंधकार लगाओगे, रत्नत्रय का अनुभव करोगे, भेद ज्ञान करोगे, तो शरीर संयोग से, इन कर्म संयोगों से तो भिन्नता आएगी। क्या करें गुरु महाराज? हर के अर्थ विंद, क्या करो? अपने अर्क प्रकाशमान स्वभाव को प्रयोजनी मान के विंद अतिपन, एक क्षण के लिए उस निर्विकल्प अनुभूति को प्रकट करो, और यदि हो पाए तो हंतकार तीनों रत्नत्रय को प्रकट करके और अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। हंतकार सात, देखो भैया इस हंतकार सात का अर्थ ये भी हो सकता है कि सात प्रकृतियों का छेदन कर दो, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। और हंतकार सात का अर्थ ये भी हो सकता है कि वहां बैठे हुए जब गुरु मैंने रत्नत्रय की बात करी, सात भव जीवों की आत्मा जगी, और उन्होंने गुरु महाराज के अमृत वचनों को सुन के, गुरु महाराज के अमृत वचनों को ग्रहण करके क्या किया? उन भव्य सात जीवों ने उस निर्विकल सत्ता को सम्यक दर्शन के व्यवहार को प्राप्त। अपन कहां, अपना क्या चल रहा? अरे मानोगे कि नहीं? क्या अपना अर्घ स्वभाव प्रयोजनी उत्पन्न, उत्पन्न करो अंधकार तीन, इसकी रत्नत्रय की अंधकार लगाओ, अंधकार सात, इन सात प्रकृतियों को नाश कर दो, मिथ्या की तीन और अनंतरवंदी की चार, इनको नाश कर दो, और छाये सम्यक दर्शन को एक जय लेके जागो और अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। इतना तो करो, इतना कर लोगे, अंतर आत्मा की आराधना में लग जाओगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं पहुंचावा वारा जने साथ चाही, ये पहुंचावो वारा, के पहुंचाने वाले बारह जने साथ चाहिए। कितने चाहिए? देखो भैया, अब मरघट में ले जाने के लिए तो अपन कहते हैं अर्थी में चार चाहिए, तो चार अकेले का काम नहीं चलता, बारह कैसे? एक वो हंडी पकड़ने वालों, एक वो आग लगाने वालों, कितने वो ऐसे कुल मिला के मरघट पहुंचाने के लिए भी दस बार लोगों की जरूरत? वही और रास्ते में लंबा कंधे बदलने वाले भी, हाँ वही तो, इसलिए कम से कम बारह तो चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं पहुंचावा बारह जने साथ चाहिए, चाहिए पहुंचाने वाले बारह लोग साथ चाहिए, कहाँ चाहिए? वही 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 बात चल रही, क्या पहुंचाने वाले बारह चाहिए? कौन से बारह चाहिए? कहने लगे गुरु महाराज, अब वही बात चलेगी ना अभी, कि पहुंचाने वाले चाहिए बारह, एक दो से काम नहीं चलेगा, पूरे बारह चाहिए तो पहुंचो, और एक हाथ कम होएगा तो कहना नहीं पहुंचो, कहना अच्छा ये बारह पहुंचाने के लिए चाहिए, कहना हाओ, कहना रस्ते में भारी हो गए खा खा के मुटिया रहे, कहना और दो चार होंगे तो काम, कहना 70 किलो वजन तो हम लोग ही है, कहना एक आदमी कब तक, चार आदमी कब तक चले रस्ते में, बता दे पहुंचाने वाले कितने चाहिए, इसलिए 12 जने साथ चाहिए पूरी व्यवस्था के साथ। कहले कहाँ चल रहे? कहले पहुंचावा 12, कहले इन 12 के साथ चलना है, कहले कौन के कौन किन 12 के साथ चलना है? कहले प्रयोग 12, उपयोग कितने हैं? 12 उपयोग है भैया, कौन कौन से? हाँ कौन कौन से? चार दर्शन उपयोग और 8 ज्ञान उपयोग, केले पहुंचाने वाले 12 हैं। कहो तो तुम नर्क पहुंचा दे, कैसे? केले को ज्ञान के 3 भेद में लगोगे, कुमति कुशोध कुअग्नि में लगाओगे
के लिए नर्क पहुंचा दे, निकोद पहुंचा दे, तुम्हें तुम्हारी कबर के लिए नर्क में खोद दे, निकोद में खोद दे, के लिए एक इंद्रिय में पहुंचा दे, दो इंद्रियों में पहुंचा दे, चार इंद्रियों में पहुंचा दे, के लिए यदि ये खूब कुज्ञान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कहीं भी 84 लाख योनियों में पहुंचा देंगे। अब ये सच्चे हैं तुम्हें पहुंचाने वाले। तुम समझते हो कि तुम जब अपन शरीर छोड़ कर जाते हैं तो अपन सोचते हैं अपने को मरकट पहुंचाने का, अब तुम तो चले ही गए, अब तुम तो जहां आयु कर्म को निषेध खिरो, अंतिम निषेध खिरे, जहां निषेध अंतिम खिरे वहां अगले तीन समय में, चौथे समय में तो नियम से जन्म हो ही जाए। चौथे समय में तुम जब अगली पर्याय में जन्म ले चुके तब तक तो घर वालों को पता ही लगा कि तुम मर गए, उसके पहले तुम्हारा जन्म हो। जब तक घर वाले समझ पाए कि तुम गए, तुम उससे अनंत समय पहले चले गए, और अनंत समय नहीं असंख्यात आवली पहले चले गए, असंख्यात आवली नहीं अनंत आवली पहले चले, अनंत आवली नहीं कहने लगे मिनटों पहले चले गए। जब तक उन्हें पता लगो, जब तक तो तुम दूसरे का जन्म ही ले चुके, ये तुम्हारा काम ही होगा। जब तक उनने कही कि बब्बा तो गए, तब तक तो तुम जन्म ही ले चुके थे, तुम लोग काम ही होगा। कहने लगे हाँ भैया, कहने लगे अब, कहने लगे देखो अब तुम तो चले गए थे, अब उठा काय को ले गए, मरघट कौन पहुंचा, अब तुम तो हो ही नहीं हो, सुन तो तुम्हें तो पहुंचाने वालों कोई है ही नहीं, पहुंचाओगा कोई, तुम इसे अपना मान रहे थे इसलिए कहने में आ रहा है कि भैया जी पढ़े जा। लेकिन यदि तुम इसे अपनों नहीं मान रहे होते, या फिर ये समाज वाले भैया जी नहीं मान रहे होते जाए, तो फिर कछु कौन कौन को पहुंचाओ, मुर्दा को ही पहुंचाओ ना, आत्मा तो पहले गई। लेकिन लगे ये जो बाहर के 12 जने हैं ना जो पहुंचाने जाते मरघट तक, विशेष विशेष जा तो कहने लगे शरीर को छोड़ के आते हैं, सही पहुंचावे वाले जो है कहना उपयोग बार, उपयोग बार के इनमें तीन होंगे आपके पास, कुमति कुशुत और कुवति, तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण कहने लगे भैया यदि ये तीन नहीं होंगे तो फिर कौन से होंगे, मति शुद्ध अवधि मन कहने जी ये होंगे सम्यक दर्शन के साथ सुश्रुत सुमति आदि का यदि अपना परिणमन चलेगा, या फिर चक्षु दर्शन में निर्मलता होगी, अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी, अवधि दर्शन की निर्मलता होगी, और यदि केवल ज्ञान आदि होगा, कहले यदि ये होंगे तो कहाँ जाओ, कहाँ जाओगे भैया, सम्यक मति सम्यक श्रुत के साथ मनुष्य भाव देव गति भी प्राप्त कर सकते अपने जीवन में, सम्यक के साथ इन सम्यक मति सुमति के साथ अच्छी मनुष्य भाव देव भाव अच्छी अच्छी पर्याय भी संयोग में प्राप्त कर सकते हो, और मति शुद्ध अवधि मना पर्याय इनके साथ केवल ज्ञान के साथ आराधना करोगे तो अरिहंत पद और शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति, ये निर्वाण पहुंचाने वाले ये ही है। 5 और 3, 5 और 4 नौ, ये नौ है करने, तीन को छोड़ दोगे तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की निर्मलता अपने आप ही, अवधि दर्शन की निर्मलता अपने आप ही होगी, तू मति कुछ तू अवधि छोड़ दोगे तो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन की निर्मलता अपने आप ही हो जाएगी। क्या करना है, पहुंचाने वाले हैं ये, कहां जाना है, बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में जैसे ही केवल दर्शन होगा वैसे ही 13वां गुणस्थान कहलाएगा, युगपद एक ही साथ मानो कि वहां बारहवें गुणस्थान का अंतिम समय जैसे श्रुत ज्ञान का वितर्क विचार मिलाया और ज्ञानावरणीय कर्म का नाश हुआ और वहां केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ सारे बाधा निगोरिय जीव शरीर से खाली हो गए, देह परमोदारी हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गए, एक ही साथ घटना घट रही हो, 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय, एक समय का खेल है। तो क्या कह रहे हैं अपन,
बारह चाहिए पहुंचाने वाले, अपने पास कितने हैं? है? अपने पास तीन ही है अभी, कुमती कुछ, हाँ तीन भी कहा, दो है अभी कुमती कुछ और दो के साथ दो ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, वो भी अशुद्ध। ये कहाँ पहुंचाएंगे? है गुरु महाराज कह रहे हैं कि साधन उपयोग वारा है और ये लगे इन उपयोग में साधना करोगे तो शून्य वारा है। अब गुरु महाराज ने तो 572 शून्य भी दिए हैं, 46 शून्य भी दिए हैं, उन्होंने तो अपनी आत्म साधना के अंतर्गत भैया उनकी जो अंतर आध्यात्मिक साधना थी गुरु महाराज का अंतर का वैभव तो अनंत। अब वो क्या कह रहे हैं शून्य वारा है, वो ऐसा लगता है क्यों कह रहा है इन उपयोगों को सम्यक करो और अपने शून्य पारा मतलब अपने निर्विकल स्वभाव की साधना करो। उपयोग को लिखा ना विंद वारा, क्या करो अपने उपयोग को अपने निर्विकल स्वभाव से। अब इन सूत्रों का अर्थ नहीं हो सकता शून्य वारा को क्या कहो सुन जो गुरु माया ने दिए स्वयं स्वल्प अल्प स्वल्प ये आगे के जो अपना अधिकार उसमें आएंगे केले शून्य वारा है केले के विंद वारा है और केले अगोनी वारा है। अगोनी का समान अर्थ निकालते हैं, अगोनी का समान अर्थ है आगवानी। जैसे अभी आप आगे के सूत्रों पढ़ेंगे कि जब तिलक महोत्सव हो रहा है तो भवजी उन अगोनी के लिए जा रहे हैं, अगवानी के लिए जा रहे हैं। केले भैया देखो इस विंद स्वभाव की अगोनी करने वाले वारा है। अब ये ऐसा लगता है कि गुरु महाराज को विशेष किसी अंतर साधना का प्रकाश हुआ है उसके तहत ये 12 शब्द का उपयोग हो रहा है और 12 तो साथ चाहिए, वो कह रहा है ये 12 तो साथ चाहिए, इन 12 को तो साथ लेके चलना पड़ेगा। पहुंचावा 12 क्यों? क्योंकि ये 12 ही पहुंचाने वाले हैं। 12 सुन 12 विंद 12 की अगोनी 12 उपयोग, ये 12 तो साथ चाहिए पहुंचावा 12 पहुंचाने वाले ये 12 है। अब अपन इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे विशेषता से, इसका अर्थ कभी किसी से सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या है, लेकिन अर्थ ना निकाल के अभिप्राय इतना समझ में आ रहा है कि गुरु महाराज कह रहे हैं जीवात्मा बहुत हो गई, अब ये ज्ञान की परिणतियां हैं, अपने ध्रुव की परिणतियां हैं, अब इसे अपने अनुभव से व्यक्त करो, अगोनी करो इनकी, इन विशुद्ध भाव की, इनको अपने अनुभव में प्रकट करोगे तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो, इन्हीं से पहुंचोगे। अगोनी मतलब जब भव्य जीव अस्थाव को तिलक में आते थे जिनवाणी, हाँ जिनवाणी लेके सर पे तिलक रख के पालकी लेके, तो वहां जो जहां होता था अस्थाव वहां जिन जो अस्थाव कराते थे वो उनकी अगोनी करते थे, अगोनी करते थे मतलब उनकी आगवाणी, उनको प्रसन्नता से उच्च आसन में बिठाना, जिनवाणी को बहुमान करना, नृत्य करना, निशावरे करना, ये होती अगोनी, आरती करना, चवर करना कि आ रहे हैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करना। और कौन सा अतिथि? जिनवाणी में जो ज्ञान अमृत की धारा आ रही है, भक्ति बहुमान करते हुए जीव आ रहे हैं उनकी आगवाणी। ठीक, अभी अभी अगले अभी इसी इसी सूत्र में आगोनी आने वाली है, उस समय आपको नहीं नहीं इस अधिकार अगले छठे अधिकार में आगोनी शब्द आएगा, तीन चार जगह आएगा, जब आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा ये थरावट का भर के आए आगोनी करने का, ये बहुत आने वाला है, चिंता ना करें, इस शब्द का खुल के आएगा अपने आगे। तो अपनी बात चल रही है कि गुरु महाराज कह रहे हैं इसी आत्म साधना करो तो पहुंचोगे, सुनने की विंद की अपने ध्रुव स्वभाव की ऐसी साधना करोगे तो पहुंचोगे। उपयोग अपने आत्म पद में 12 प्रकार पद भी दिए, पे भी दिए गुरु महाराज ने, इन 12 पे से अपने ध्रुव स्वभाव की आराधना करोगे तो पहुंचोगे, नहीं तो संसार में भटकते रहे आप। कह रहे हैं सुनो तो अब ऐसी संयम की साधना चल रही, वीतराग तत्व की आराधना चल रही, सब जीव आनंदित हो रहे थे, अब क्या हुआ? ये खटरी कौन छोड़ी रे अन पूछे छोड़ी रे स्वभाव। अब
किसी भव्य जीव ने क्या किया होगा कि कोई संयम की भावना पाई होगी, संयम की भावना में दृढ़ता लाई होगी, कोई जीव संयम को धारण करके बैठा होगा, लेकिन किसी कारणवश, किसी असाधारण कारण से या किसी रोग के कारण से या किसी सामाजिक व्यवस्था के कारण से या व्यवस्था बाहर की ना बन पाने के कारण से उसने संयम की गठरी छोड़ दी होगी। गठरी छोड़ दी मतलब संयम को, अपने व्रत को छोड़ दिया, भंग कर दिया होगा। तो गुरु महाराज कह रहा है, अरे ये संयम की गठरी कौन ने छोड़ी, तुमने संयम क्यों छोड़ा, पूछे छोड़ी अनपूछे छोड़ी, हमसे तो पूछ लेते, हम उपाय बता देते, दृढ़ता कम हो रही थी तो हमारे पास तो आते, हम दृढ़ता का उपाय बता देते, रहन स्वभाव, अरे अरे देखो देखो ये अपना रत्न करे स्वभाव है, ये संयम छोड़ने योग्य नहीं, डर लगे रहा उसमें, कैसे मोक्ष मार्ग में स्थिरीकरण करने का काम कर रहे, भव्य जीव के लिए संयम छोड़ने योग्य गठरी छोड़ने योग्य नहीं है, अनपूछे छोड़ दी, बिना पूछे छोड़ दी, हमें बताया नहीं, तुमने खुद ही निर्णय लिया कि ये हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहा, अनपूछे छोड़ दी, इसलिए सुनो सुनो ये रत्नत्रय स्वभाव है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, संयम की आराधना का मार्ग है, इसलिए छोड़ने का नहीं, संयम को ग्रहण करने का मार्ग है, अनपूछे क्यों छोड़ी, रत्नत्रय स्वभाव है, इसमें दृढ़ रहो, ऐसा यहाँ प्रसंग घटा होगा तो गुरु महाराज ने यह लिख दिया, कुंजम जल रंज प्रवेश, जल में कुंजम का क्या अर्थ है, अरे हमें तो याद था, हम तो 500 बार बता चुके, लेकिन वर्तमान में मेमोरी बूस्टिंग नहीं हो रही, 2 मिनट बता रही, इस सूत्र को 2 मिनट के लिए छोड़ना है, 5 मिनट के अंदर इसका अर्थ बताते हैं, कुंजम शब्द का अर्थ चलिए छोड़ते हैं फिलहाल, कुंजम कोई ऐसे सरोवर में जैसे कोई ऐसे ही कुछ अर्थ है, लेकिन याद नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया अर्थ है इसका, जैसे उसमें कुंजन में जैसे जल भरा रहता है वैसे ही ऐसा है कि ऐसे ही अपने आत्मा में रंजन रंजायमान रहो, उसमें प्रवेश करो, जैसे सरोवर में जल है, हाँ ऐसे ही है इसका कुंजन, मतलब कुएं में या कुंड में जैसे सरोवर में जल है अपने में लबालब भरा हुआ है, वैसे ही तुम भी अपने में ध्रुव स्वभाव में रंजायमान रहो, प्रवेश करो, क्या है हम देख के नहीं आते ना, इसलिए कभी कभी कोई शब्द पैटर्न जाते हैं, देखते हैं अपन इसका, वैसे यही है कि जैसे सरोवर में जल लबालब भरा है, वो पूरा ठसाठस है, जैसे वो अपने से सराबोर है, वैसे ही तुम भी देखो, क्या देखो, हे भव्य जीव तुम्हारा आत्मा भी ज्ञान के आनंद से लबालब भरा हुआ, इसी में रंजायमान रहो, इसी में प्रवेश करो, इसी में रंजायमान रहोगे, इसी में प्रवेश करोगे तो सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इस जैसे सरोवर से जल खाली नहीं होता ना, हाँ उन्हीं से आगे चर्चा चल रही है कि भाई जिसने छोड़ी है उसी से कह रहा है कि रत्नत्रय से भरा हुआ है सरू, अपने आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, उसी में रंजायमान करो, उसी में प्रवेश करो, व्रतों का पालन तो अपने आप ही होगा, संयम का पालन तो अपने आप ही होगा, गुरु महाराज समझा रहे, और भाई देखो ये मोक्ष मार्ग तो जड़ता का ही मार्ग है, यदि यहाँ जड़ता रख ली आपने तो आप आगे बढ़ गए, और यदि यहाँ जड़ता गई ढिलास आई तो फिर आगे बढ़ने का मार्ग, एक बार संकल्प लेके बढ़ गए फिर दृढ़ रह गए तो चल जाए, थोड़ी सी ढील डाल करी एक बार यदि पीछे हट गए तो फिर हट गए तो फिर हट गए, फिर आगे बढ़ने का मार्ग नहीं बनता, इसलिए बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए अब कुछ विशेष बात चल रही है,
मंगलवार मिलन वतीस। अभी दिन की चर्चा आ रही और इन दिन विशेष 32 जीव आए होंगे और अस्थाप महोत्सव चल रहा है, तो उन सब की बात यहाँ चल रही है। मिलन रमण 36। अब वो देखो गुरु महाराज भी आत्म अनुभूति में डूबे हुए, बाहर में अस्थाप महोत्सव चल रहा है लेकिन उन्हें कोई लेना देना, वो तो अपनी आत्म समाधि में अपनी ज्ञान समाधि में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ शब्द लिखे हैं कि मंगलवार के दिन विशेष 32 प्रकार की विशेष विशुद्ध रूप परिणतियां प्रकट हुई। गुरु महाराज को विशेष अनुभूति हुई जो उन्होंने वहां बताई होगी, जैसे 36 अर्थ थे उनमें से 32 प्रकट हुए होंगे या कोई विशेष 32 परिणाम प्रकट हुए होंगे। मिलन रमण 36, अब उसी स्वभाव से मिलन करने से 36 अर्थ उत्पन्न हुए होंगे। गुरु में बता रहे हैं कि आज ये अनुभव में डूबे थे, उपदेश होता था, तो आज ऐसे 36 अर्थों का प्रकाश हुआ। पंच अरूप 21, पंच ज्ञान के दीपक में आचरण करने से 21 प्रकार के उदायक भावों का नाश हुआ। रमण 21 पंचोत्तर, देखो भैया अब आप यदि कहोगे पंचोत्तर क्या है, पंच ज्ञान के विमान है कुछ नहीं, और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं इन सूत्रों का अर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को स्वयं ऐसी आत्म साधना। जब तक अपन इन उदायक भावों से अलग नहीं होंगे ना, जब तक ये पांच ज्ञान प्रकट होने वाले हैं, और गुरु महाराज की समान यदि गुरु महाराज की बात को समझना है तो उन्हीं के समान आत्म ध्यान की साधना करेंगे तब ये अपने अनुभव का विषय बने। ये सूत्र शब्दों में नहीं कहे जा सकते, इसलिए ने चार सूत्र को अनुमान के रूप में कह रहे हैं। भक्तानुकल सूत्र से आनंद की चर्चा है, अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। जय 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 परिणाम सहितम, जब ऐसे पंच ज्ञान के भाव प्रकट होते हैं, अंतर ध्रुव स्वभाव में रमणता प्रकट होती है, ऐसी ध्रुव आत्म तत्व की जहाँ अनुभूति होती है, ध्रुव से मिलन होता है, वहां कैसे परिणाम प्रकट होते हैं, जय हो जय हो जय हो जय जय परिणाम सहितम। क्या हो रहा है अंतर में, ध्रुव स्वभाव की जय जय का रूप परिणाम का आनंद ले रहे हैं, उस परिणाम के सहित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है गुरु महाराज, कहले रुचितम सहितम स्वरूपम। कहले देखो देखो अंतर ज्ञान स्वभाव में रमण करने की रुचि प्रकट हो गई है, तत्व की रुचि से क्या कर रहे हैं अंतर ध्रुव स्वभाव में रमण। कहले देखो तो जय 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 परिणाम सहित। संसारी जीव कौन से परिणाम में लगे, हाहाकार में, मेरा मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ। और गुरु महाराज अंतर ज्ञान उपयोग की साधना कर रहे हैं, ध्रुव में रमण कर रहे हैं, तो उनके परिणाम कैसे हो रहे हैं, जय 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 परिणाम सहित। कैसे परिणाम हो रहे हैं, जय जय कार में परिणाम हो रहे हैं, अंतर आनंद में परिणाम प्रकट हो रहा है, रोम रोम से रोमांच प्रकट हो रहा है। क्यों हो रहा है, रुचितम सहितम स्वरूपम। गुरु महाराज हमारे अंतर में जय जय कार के परिणाम का प्रकट होंगे, कहले जब तुम्हारे अंतर में ऐसे ध्रुव स्वभाव की रुचि लगेगी तो ऐसे जय जय कार के परिणाम प्रकट हो जाएगी। बोलो गुरु महाराज की जय हो। कुछ समझ में आया ना, इतना समझ में आ रहा ना कि तारण स्वामी एक ही बात कह रहा है, कहा जितनी भी बातें गुरु महाराज कह रहा है, यदि रुचितम सहित परिणाम, यदि अपने स्वरूप की रुचि होगी, रुचितम सहित स्वरूप, यदि अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि होगी तो ये सारी अनुभूतियां अपने अंदर से प्रकट हो जाएगी। रुचि होगी तो होंगी, नहीं होगी तो देखो फिर कह रहा है रुचितम सहितम बहतर। आत्म तत्व की रुचि लगाओगे तो 72 जिनाले प्रकट हो जाएंगे। तीन काल के 24 तीर्थंकरों ने इस ध्रुव तत्व की रुचि से ही अपना कल्याण किया है, तो तुम भी आत्म तत्व की रुचि लगाओगे तो 72 जिनाले रूप इष्ट इष्ट उत्पन्न गोष्ठी अपने आत्मा की रमणता रूप ज्ञान गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी, आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी और अपने स्वभाव में रमने रूप अपने तत्व का प्रसाद चल जाए। रुचि तो लगाओ काहे की,
रुचितम सहितम स्वरूपम, तीन बातें, रुचितम सहितम स्वरूपम। जब अपने स्वभाव की रुचि सहित हो गए, अपने ध्रुव स्वरूप की रुचि सहित हो गए, तो क्या होगा? रुचितम उत्पन्नम सहितम साहित्य। जब अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि उत्पन्न होगी, सहितम ध्रुव स्वभाव की रुचि सहित साहित्य वेदराग पद प्रकट। अब आत्मा की रुचि नहीं होगी तो साहित्य पद कहां से लाओ? जब आत्मा की रुचि नहीं होगी तो ध्रुव त्रिकालीय स्वभाव का आश्रय कहां से लाओ? जब आत्म तत्व की रुचि नहीं होगी तो गायक स्वभाव की अनुभूति कहां से लाओ? तो कहता हूं उन्होंने, रुचितम उत्पन्न सहितम साहि। जब आत्म तत्व की स्वरूप की रुचि होगी तब साहि पद अपने ध्रुव का आश्रय प्रकट। और कहने के सुनो तो, जब ध्रुव का आश्रय प्रकट होगा, जब क्या होगा? रुचितम सहितम बहर बहतर। देखो दो अर्थ निकाल सकते हैं। देखो भैया, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि उत्पन्न करना ही बेहतर है, इससे बहत्तर जलाले प्रकट। ऐसे ही भगवंतों की तरह, तीन काल के 24 सितंबर को परमात्मा की तरह अपना ध्रुव पद प्राप्त होगा। रुचि तो जगा, रुचि लगी संसार की, और अपन जिनेन्द्र होने की भावना पाए तो कैसे हो? रुचि लगी इंद्रिय विषयों की, और अपन कहे कि हम भी अरिहंत होंगे, हम भी सिद्ध होंगे, तो कैसे हो? रुचि लगी घर की, तो अपन यदि रुचि पड़ी रहा है घर की, और अपन कहे भैया भैया हमें भी मोक्ष जाना है, हमें भी मोक्ष जाना, कैसे हो? अपने को दो टाइम गुरु महाराज की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिल रही, ये बताओ कि निर्माण कैसे होगा? समय जब निकल ही नहीं रहा अपने को अपने लिए, अपनी आत्म साधना के लिए, जब अपन समय नहीं निकाल पा रहा है तो अभी साधना तो हो नहीं रही। सुन सुन के थोड़ी बहुत स्वीकारता हो जाती है, उतनी श्रद्धा ही जितना बहुमान आ जाता है, गुरुदेव की महिमा आ जाती है, उतनी अपनी साधना, इससे ज्यादा कच्चा साधना हो रही? तुम कितने आडंबर कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितने पाठ कर लो, तुम कितने भटक लो, वो तो साधना में है ही नहीं, वो तो सब संसार परिभ्रमण में है, सब अशुभ भाव में। लेकिन अपन जिनवाणी सुन के जितना आत्म तत्व की रुचि जगा रहे हैं, चाहे थोड़ी सी सही जिनवाणी सुन के जितना अपने गुरु महाराज की इस वाणी का बहुमान आ रहा है, सच्चे देव गुरु धर्म की जितनी श्रद्धा हो रही है, अपना रोजान कुदेव अरे मिथ्या देव तीनों से हट रहा है, तो उतनी श्रद्धा जितनी जन्म ले रही है अपने अंदर जिनवाणी के माध्यम से, उतनी साधना हो रही। उससे आता जितनी जितना उपयोग अपना तत्व को स्वीकार कर रहा है उतनी साधना हो रही, उससे ज्यादा तो नहीं हो पा रही ना। तो बताओ कितनी सी तो अपन साधना कर पा रहे, कितनी सी? जितना सुंदर है उतना ही स्वीकार हो रहा है, उसी के बल पे, उसी श्रद्धा उसी दृढ़ता के बल पे हम बाहर के प्रपंचों से अपना उपयोग जितना हटा पा रहे हैं अज्ञान मान्यताओं से, जो मानता पड़ती है ऐसा भी कर लो, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, वहां से ऐसा हो जाएगा, पहले उन अज्ञान मान्यताओं को, उन अज्ञान संस्कार को तोड़ पा रहे हैं। जितनी आत्मा की रुचि जगह सुन सुन के उतना ही अज्ञान संस्कार को तोड़ पा रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमारे पास वैसे भी कुछ है। वैसे साधु तो अपन है नहीं कि जंगल में रहकर साधना कर रहे, अनुवृत्ति भी नहीं है, प्रतिमाधारी भी नहीं है कि आत्मा की प्रतीति में घर गृहस्थी के जंजाल से छूट के बढ़िया समय को ध्यान करने में बढ़िया आनंद आ रहा, तीन टाइम की बढ़िया समय को रही, बढ़िया शुद्ध श्रुत का ज्ञान का उपयोग चल रहा, बड़ी आनंद की धारा, ऐसा तो है नहीं। कितना है? जितनी देर आ जाते हैं सुन लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उतना श्रद्धान का मार्ग बन जाता है, और जितना श्रद्धान का मार्ग बन जाता है उसी को दिन भर जितना चिंतन कर लेते हैं, डबल से रिपीट कर लेते हैं, भेद ज्ञान कर लेते हैं, उतना ज्ञान उपयोग हो जाए। इतनी सी तो अपनी साधना, इतनी छोटी सी तो अपनी साधना, उस साधना में यदि अपन श्रुत के माध्यम से जो होती है उस साधना में यदि अपन सम्मिलित ना हो पाए तो फिर का लेके जा रहे तुम, चाहो कहाँ मिल रहा हो? गुरु महाराज उपदेश देते थे, लिखते शिष्य,
ना अंतिम के तीन चार ग्रंथ लिखे किसने, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। कहे किसने ये बात महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये प्रवचन सुना रहा हूँ, आप इसे हुआ हूँ कॉपी में लिख के ले आओ, तो किसके कहलाएंगे, अमित भैया के या आपके? लिख के आप ले आओ तो कहलाएंगे किसके? बस बात इतनी सी है। गुरु महाराज कह रहे थे उनको आनंद की अनुभूतियां विशेष थी और शिष्य नोट कर रहे थे, है तो गुरु महाराज के, है तो उनकी अंतर अनुभूति, ये अनुभव किसको? लेकिन बात है कि अनुभूति गुरुदेव के अंदर घट रही थी और नोट शिष्य कर रहे थे। और बात ये चल रही है, अपन कौन सा विषय लेके चल रहे थे, कि यदि अपने को ऐसी रुचि नहीं लग रही और इस थोड़े से समय के लिए भी नहीं, अपन अपनी आराधना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, इतनी आराधना इसके लिए अपन अपने जीवन में समय नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर ये बताओ मोक्ष मार्ग की साधना कैसे करोगे? साधु होने की बात तो बहुत दूर की, अर्जिका होने की बात तो बहुत दूर की, पंचम स्थान अनुव्रत को धारण करने की बात तो बहुत दूर की, तुम तो अभी जनवाणी को सुनने की योग्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध को हृदय में स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अभी तो अंतर उपयोग में ये घटना नहीं घट रही कि एक शब्द भी ना निकल जाए। क्यों? कौन सा शब्द, कौन सा श्रद्धान, कौन सी मान्यता प्रकट कर दे, कौन से मिथ्यात्व भाव छुड़ा दे। यही बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ लगाते थे यहाँ वहां, कंटिन्यू सीधे सीधे एक दृष्टि होती थी चैत्याले जाना, आस पास ऐसा लग रहा है जैसे वो लग गया यहाँ के अलावा कहीं जा रहे, सुनने से भाव की नहीं हो, भाव की नहीं। जितना भी परिवर्तन आपके पास वर्तमान में दिख रहा है काय से, आपकी मान्यता में आज जो सम्यक बना है वो काय से, श्रवण करने से है कि नहीं? भगवान गुरु महाराज की ग्रंथ को सुन रहे हो, और जितना भी अपन दिन रात इधर उधर की चिंता करते रहते, लेकिन अब अपन आत्मक चिंतन करने लगे, ये अति से काय से, चिन्मणि का बहुमान आया, श्रवण किया, इसको अपन ने अंतर चित्त में धारण किया, इससे आया ना बताओ। अरे इसकी रुचि अपने को नहीं है, आत्मा की रुचि तो बहुत ऊपर की बात है, अरे इस शब्द की रुचि नहीं है तो फिर कहां से लेके आओगे, क्या बात तक जनाले कहां से लाओ? जब आत्मा में इष्ट इष्ट उत्पन्न गोष्ठी, जब आत्म तत्व की गोष्ठी करने का ही भाव नहीं है, आत्म तत्व की चर्चा का ही भाव नहीं है, जब इसी में आनंद नहीं आ रहा अपने को और आ भी रहा है तो समय नहीं निकाल पा रहा है, तो तुम ये बताओ मोक्ष मार्ग के लिए समय कब निकालोगे? क्योंकि सुनने से साधना होती है, होती कि नहीं होती? अपना उपयोग अपने ध्रुव स्वभाव को मन वचन काय की चंचलता से हटके स्वीकार कर रहा है, चैतन्य चिंतामणि रत्न को स्वीकार कर रहा है, ये गुप्ति तो है, तो ये भी साधना है। अपन समझते हैं कि जो व्रत कर रहा है वही साधना कर रहा है, वो तो नाटक भी कर सकता है, जो उपवास कर रहा है वो साधना कर रहा है, वो तो नाटक भी कर सकता है, जो खूब सारे जाप कर रहा है वो साधना कर रहा है, जो घर से जंगल में रह रहा है वो साधना, वो तो अपने मान सम्मान के लिए भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गुरु महाराज की बात सुन के जो आत्मा की रुचि लग रही है, तत्व का श्रद्धान हो रहा है, इसमें कोई मायाचारी तो नहीं, प्योर साधना है एकदम ओरिजिनल। लेकिन ये जिस साधना नहीं लग रही, वो तो दो चार माला कर लेते ना और दो चार व्रत कर लेते और दो चार जगह पांव तोड़ाते भाग भाग के, तो साधना लगती कि अरे आज तो इतना भागा है, अच्छा इनके पीछे भागे थे कल तो उनके पीछे, ये लगती साधना। अरे बता रहे हैं कि जय साधना लगा था कि शिखर जी चले जाओ और पूरे सीढ़ियां चढ़ो और पांच छात वंदना कराओ, हाथ पांव टूट जाए, उठने की बस की नहीं हो, साधना हो गई, आनंद आ गया, काहे को आनंद आ, आज सुबह 4 बजे चढ़े थे, 1 बजे उतर के आ गए, फिर 1 बजे चढ़े तो फिर 5 बजे फिर उतर के आ गए, एक दिन में दो ना हो गए, आनंद काय को आनंद आ, नहीं पेड़ टूट गए के ना, अब क्या करोगे के ना, अब दोनों पांव नमक के पानी में गर्म पानी में डाल के सिखाई कर रहे, काय को आनंद आ रहा है,
गजब भगवान ना जाने जी क्या करना चाह रहा है, क्या आनंद लेना चाह रहा है। क्या सूजन आ गई थी, क्या गर्म पानी में पांव डाले, ये सो आनंद आ रहा है। यहाँ दो बंधना है, कल दूर करेंगे। अरे भगवान जी, वो तो अब तुमने क्या करो क्या नहीं करो वो तुम जानो, तुम ही धर्मशाला। लेकिन आनंद तो रुचितम सहितम बेहतर, आत्म तत्व की रुचि लगाना बेहतर है। हाँ शिखर जी की वंदना को यह महत्व है कि तुम जाओ मोड़ा मोड़ी पति पत्नी सहित जाओ, खूब अच्छे खाओ, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाओ। हम बता तो रहे हैं, मेरे सुनो तो, यदि अच्छे कपड़ा पहन के जाओ, थोड़ा बहुत दान दे आओ, खूब पिकनिक मनाओ, और किले के दिन में चढ़ो, शाम को उतरने में लेट हो जाओ तो रात्रि में बढ़िया फरार करो, 6-7 बजे अच्छे से बच्चों की सेवा में लगे रहो, कि तेरे पांव दुखे, कि तेरे सर दुखे, पति देव की सेवा में लगे रहो, किले बड़े पिकनिक का आनंद लो और लोगों से कर्जे की। ये पागलपन है, बंधना नहीं, अकेले जाओ बढ़िया। हाँ, या फिर ऐसे लोगों के साथ जाओ जिनसे मोह के संबंध ना जुड़े, जिन्हें तुम्हें पट्टी ना हो, उनके साथ जाओ, वो परिणाम ना बिगड़े, तुम उनके साथ जाने के बाद परिणाम ना बिगड़े। और दूसरी बात, ऐसे जाओ कि तुम्हारे साथ कौन चढ़ रहा हो, पीछे कौन रहेगा, आगे कौन रहेगा, तुम याद ही नहीं रहे। ऐसे जाओ कि भगवान यहाँ चढ़े थे तो लौट के वापस भगवान, ऐसे ही भावना भाग्य बजाओ, ऐसे ही परिणाम चढ़ते चढ़ते हमारे परिणाम ऐसे कलश परिणाम हो जाए, ऐसे विमल परिणाम हो जाए कि शिखर जी पे चढ़ने वाले हमारे तीर्थंकर वापस नहीं आए, हम भी चढ़ते चढ़ते आत्मा के ऐसे शिखर पे चढ़ जाए कि लौट के संसार के राग रंग में वापिस ही ना आए, ऐसे वैराग आ जाए अंदर से, ऐसी भिन्नता आ जाए कर्म संयोगों से, ऐसा आत्म तत्व का रुझान लग जाए कि फिर शरीर के विषय अच्छे न लग, रुचि ना रह जाए पाप कसाए। अरे मुनि बन के ना चढ़ो तो ऐसे भाव तो लेके चढ़ो कि दोबारा घर व्यस्ती में आए तो रुचि ना रहे इनकी, इनके प्रति रुझान ही ना आए, लगन लग जाए सच्ची कि अब तो इन्हीं के समान परम पद को प्राप्त, लौट के आए ये नहीं सुना है कि का आओ तो का पहनो तो कितना आनंद आया, बच्चों ने कैसी फोटो खींची, चल यही चर्चा है, ऐसी ऐसी डीपी लगा दी, ऐसी फोटो खींची, इस होटल में रुके थे या फिर इस लाज में रुके थे, वहां इतनी अच्छी एसी थी, वहां इतने अच्छे गद्दे थे, वहां इतनी अच्छी पल्ली थी, वहां जे मिले थे वो मिले थे, सब चाहिए चर्चा, कछु नहीं चूल्हे का चक्कर। जा खाओ तो वो पत्थर के भगवान इतने सुंदर थे, वो मंदिर इतना बड़ा बना था, बस इसके अलावा कछु चर्चा। शिखर जी रावण तो भक्त था भगवान का, उसने शिखर जी क्या उसके तो विमान था, उसने पूरा आपका 3 खंड घूमे हैं, तो क्या बात चल रही है कि भाव सहित यदि वंदना हो तो नरक और त्रिलोक गति जीव नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि भाव सहित वंदना करने वाले जीव के परिणाम इतने निर्मल होते हैं, कि उसे नरक जाने लायक घर में लड़ने झगड़ के परिणाम होते ही नहीं है। इसलिए तुम वहां वंदना कराओ और घर में कसाए अनंतन मंदी एक दूसरे को देखो ना, तुम भाव सहित थोड़ी वंदना करके आओ, नाटक करके आए, भाव सहित बंदे जो वो त्रियंचो नरगति में नहीं। हम तो उल्टा बोलते हैं, आज जितने लोग शिखर जी जा रहे हैं कुछ पर्सन छोड़ के वो सब विराधना का इतना पान ला रहा है बांध के, सब नर्क ही जा नियम से, वो भौतिकता का युग है। आजकल बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं, खावे पीने जाते हैं, 3 दिन की छुट्टी मिली है कहाँ करें, एंजॉय करने के लिए गोवा नहीं जान दे रहा पापा मम्मी, तो एंजॉय करने के लिए शिखर जी चल,
सर एंजॉयमेंट हो गया, कुछ अपन कहां इतनी अच्छी चर्चा छोड़ के तुम सिखा नहीं दे रहे। रुचितम कितने बार समझा चुके, जय वाह। यहाँ बैठ के भी वंदना बिल्कुल हो सकती है, और जब यहाँ भाव सहित वो वंदना करने का भाव आए तो तुम वहां यहाँ भी वही फल मिलेगा। और ऐसी भावना निरंतर भाते हुए जब तुम वहां जाओगे, यहाँ से ऐसी भावना भाते हुए इतनी गहरी रुचि से जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां उस भगवंतों के तप के अलावा और कुछ दिखाई भूल जाओगे तुम कि क्या खाया क्या पिया कैसे उठे कैसे बैठे, तुम्हें वो ही दिखाई देगा कि उन्होंने जैसा काम बनाया चार आराधना को प्रकट किया वैसे ही काम। यहाँ से जब निरंतर तीव्र भावना भाग से खड़ जी जाओ उस कल्याण की, तब तुम्हारी भावना वहां से आने के बाद अनंत नदी कसाई की होगी नहीं, नरक जाने लायक परिणाम आएगी। वंदना किसकी करना, वंदना पहाड़ की नहीं, पहाड़ पे जो भगवंत थे उनके गुणों की करना, उनकी साधना की करना, उनके तप की ध्यान की आराधना की सम्यक की, उन्होंने जो गुण प्रकट करे उनकी वंदना करने जा रहे हो। पहाड़ तो अपने एक आध बीना में आसपास हो घूमा, पहाड़ में कुछ थोड़ी ना, वहां उनके तप हूत करा जो ध्यान करा जो साधना करी है शाश्वत तीर्थ कहलाता है। तो पंचम काल होने के कारण से 4000 भटक गए, नहीं तो 24 तीर्थंकर नियम से अयोध्या में जन्म लेते हैं और शिखर जी से सिद्धांत है, और कोई दूसरा काम होता ही नहीं। शाश्वत तीर्थ है अयोध्या जन नगरी और शिखर जी निर्वाण नगरी। इसलिए भगवान आत्मा, अरे रुचितम रुचितम स्वयं उत्पन्न स्वभाव, रुचितम उत्पन्न सहितम साही, रुचितम सहितम स्वरूपम, क्या कर रहे हो? आत्मा की रुचि लगा नहीं रहे, तत्व की रुचि लगा नहीं रहे, अपने देह देह वाले में बैठे हुए ध्रुव धाम प्रकाली भगवान आत्मा की वंदना कर नहीं रहे, शिखर जी की वंदना की पागल हो जाए। अपने अंदर में जब त्रिकाली ध्रुव स्वभाव गायक भगवान आत्मा बैठा है उसकी वंदना कर नहीं रहे, उसकी भक्ति कर नहीं रहे, उसकी स्मृति ला नहीं रहे, उसका स्मरण जगा नहीं रहे, शिखर जी चले जाए, शिखर जी चले जाए काहे के लिए? भैया देखो घर में काम करते करते बोर हो रहा है, थोड़ो सो एंटरटेनमेंट हो जाए और बच्चों के साथ घुमाए तो मन थोड़ा अच्छा। रुचितम सहितम सर्वम, आत्मा की रुचि तो जागृत करके बताओ, मेरे अंतर में जो मेरा ध्रुव प्रकाली है उन भगवंतों ने उसको सिद्ध कर लिया था, इसलिए वो शिखर पे चढ़े थे कि कर्म के शिखर को ध्वस्त कर। अपन काहे के लिए जा रहे, हम तो इसलिए जा रहे हैं हम शिखर जी जाएंगे हमारे पुण्य को बंद होएगो और रोग शोक बीमारी नहीं रहेंगे, घर में धन संपत्ति सब बढ़िया रहेगी, बाहर घर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। शिखर जी काहे के लिए गए? उन्हें मन्नत मांगी थी, काहे की मन्नत मांगी थी? ऐसो काम हो जाए तो भावना भाई थी कि हमारी दुकान खुल जाएगी तो शिखर जी जाएंगे, 5 बंदन करें, पागल मिथ्या दृष्टि मूर्ख से तो मट्टी भी खोद के लाते हैं कच्छू नहीं कहना मत खिलवाओ कच्छू, तो बे मतलब में अच्छा मट्टी में परमाणु है तो हाँ, तो वहां जाके जब सामायिक करोगे तब वो परमाणु छुएंगे, वहां जाके जब जीने चढ़ते चढ़ते मोह का भाव छोड़ के और निरंतर ये भावना भाते हुए चढ़ोगे कि अरे देखो यह मुनि चढ़े अर्जी कहां चढ़ी अपने तप ध्यान में लीन हुई, इस भावना को बहाओगे क्योंकि आपके भाव से उन भाव का उन संप्रेषण होगा, क्योंकि आपकी भावना का फल आपको मिलेगा। यदि आप वहां जाओ और दौड़ लगाओ, यहाँ भी चले जाओ यहाँ भी चले जाओ, पारसनाथ की टोक से लेकर चंद्र प्रभु की टोक तक दौड़ लगाते रहो और आंख बंद करके बैठो ना, आंख बंद करके वैराग्य की भावना ना बार अनुपेक्षा चिंतन ना करो, ये चिंतन ना करो कि देखो भगवंत कैसे यहाँ विहार करते थे, कैसे
निर्जन इस जंगल में आज तो ये सब दिख रहा है, इतनी भीड़, कैसे अकेले एकाकी कैसे अंतर ध्यान में लीन रहते थे, ना भूख की चिंता ना प्यास की चिंता, कैसे 18 दोस्तों से रहित अपने पद को प्राप्त किया, ऐसी भावना भाव कैसे उपसर्ग सहन किया। जब ऐसी भावना भावोगे तब जाके वहां तुम्हारे भाव शुभ होंगे, और शुभ होंगे तो पुण्य का बंद होगा। यदि भावना नहीं भाई और दौड़ लगा के आ रहे तो पाप का बंद होगा। तो वही हाल है समोषण में भी गए बाहर गए, बस बस बिल्कुल वही कि समोषण में भी गए तो आठवीं पदवी जाने की फुर्सत नहीं मिली, और नीचे इतनी अच्छी अच्छी अवसाहें दिख रही है, इतनी इतनी अच्छी नाट्यशाला दिख रही है, इतो अच्छो वैभव दिख रहा है, इना भगवान को देखने कौन जाए, नीचे की वस्तुओं से तो मन भर जाए तो ऊपर जाए क्या मालूम ऊपर अच्छे होगे भगवान, इससे सुंदर भाई भगवान में क्या सुंदरता होगी, भगवान तो काले पीले होंगे। नीचे इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही है, जाए तो देख उस मूड को क्या मालूम कि भगवान सर्वांग जितने सुंदर है उनसे सुंदर वस्तु इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं, मूड को क्या तो नीचे की सुंदरता में रत्नों के वैभव में नाटशालाओं में वो इतना व्यस्त हो गया कि ऊपर जाने का जो भाव था वो खत्म हो गया। और देखो अति से जैसा मन में भाव होगा सीढ़ी बस वहीं रुक जाएगी। यदि आप मान लो आपने समोषण की सीढ़ी पे पैर रखा और आपके मन में भगवान की भक्ति और उनकी प्रसन्नता का राग छूट गया, भगवान के दर्शन का भाव छूट गया और आपके मन में किसी का भी राग का विचार आ गया तो तत्काल सीढ़ी आपको दूसरी पृथ्वी पे तीसरी पृथ्वी पे तत्काल उतार देगी, वहीं छोड़ देगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं, आपको वहीं छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ श्रद्धा और भक्ति चली गई, अरिहंत के प्रति श्रद्धा भक्ति ना हो सीढ़ी पहले ही पटक देगी, आगे ले जाने वाली नहीं, हाँ वही पटक देगी बीच में। हाँ ऑटोमेटिकली चलती है वो सीढ़ी, और कहो तो कोई 2 सेकंड में पहुंच जाए और तो कोई अंतर मुहूर्त में 48 मिनट पहुंचे, जैसी जिसकी भावना चलती जाती है वैसे ही वो सीढ़ी गमन का अति से है का समोषण पूरा भाव। और तुम शिखर जी की सीढ़ी तोड़ के आप हो और महा बड़े चिप्स और कुरकुरे और नींबू पानी पी के वहां तुम आराम करके आते हो और तुम कह रहे हो हमें भगवान की तरह निर्वाण पद की प्राप्ति हो। सीढ़ी कोई सी भी हो, समोचरण की हो, शिखर जी की हो, बिना भाव के बिना आत्म तत्व की रुचि के मुक्ति मिलने वाली। ये देखो अपनी चर्चा बहुत देर की हो गई है, इस वैसे को यहीं छोड़ते हैं, अपन शाम को वापस चलेंगे रुचितम उत्पन्न सहितम साहि, क्योंकि आप व्यवहार में घुस जाओ तो दिमाग वही काम करता है, और आप लोग व्यवहार पर ऐसा घिसते हो कि प्राण निकाल ले, तो आत्मा पे काय नहीं घिसते, जय आत्मा का नहीं घिसते, भाई ये कैसे मिलेगी, जय का नहीं घिसा, अच्छा पता लग रही है टाइम पे आया करो दोनों टाइम कह रहे मस्त।